दोस्तों, ये हमारा पार्ट 14 और इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेसबुक पिक्सल के बारे में। जबरदस्त चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और इसके बिना पूरा फेसबुक एड अधूरा है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाएं। लेट्स गो। सो यू आर वॉचिंग तौहीद अहमद चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपके सिस्टम पे डिलीवर हो सके और आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सके इस वीडियोस के थ्रू, राइट? तो गाइज, अब यहां पर मैं आपको फेसबुक पिक्सल समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, बट प्लीज पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो डेली लाने के लिए। तो गाइस, फेसबुक पिक्सल होता क्या है अगर आपको मैं एज एग्जांपल समझाऊं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। लाइक आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर देखना, आपका नाम रजिस्टर किया जाता है कि आप किससे मिलने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, लाइक दैट थिंग्स, राइट? किसी भी आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो ऐसा देखोगे, या किसी बिल्डिंग में जाओ, मतलब किसी सोसाइटी में जाओ, या आप कहीं पर किसी ऑफिस में जाओ, गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो वहां पर आपको रजिस्टर किया जाता है कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, इस टाइप का, मतलब पूरा आपका डाटा लिया जाता है। वैसे ही फेसबुक पिक्सल काम करता है, ठीक है? ये एक ट्रैकिंग लिंक होती है। इसमें क्या होता है, मान लो ये आपका एक सेकेंड, मान लो ये आपका कोई वेबसाइट है। अब यहां पर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं एक वेबसाइट से, ये चीज बताता है फेसबुक पिक्सल, राइट? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मतलब वहां जो वॉचमैन आपका पूरा डिटेल रख रहा है, वहां पर ये छोटा सा कोड पूरा डिटेल रख रहा है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये पूरा डाटा आपको देता है फेसबुक पिक्सल। ये एक ट्रैकिंग कोड होता है। बस आपको क्या करना पड़ता है, ये ट्रैकिंग कोड को उठा के अपने लैंडिंग पेज में लगाना होता है, राइट? अब देखो, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, टाइप ऑफ फेसबुक पिक्सल, ट्रैकिंग टाइप्स, राइट? वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले बता दूं, देखो जैसे कि ये फेसबुक पिक्सल है, कई लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर्स लाइक क्लिक फनल, बिल्डरल, राइट? और कई लोग यूज करते हैं वर्डप्रेस। तो दोनों जगह अलग अलग चीजें होती हैं लगाने की, अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो मैं आपको किसी में भी कुछ भी लगा के नहीं बताऊंगा, राइट? अगर आप बोलोगे लगाने के लिए तो मैं एक आध में लगा के बता दूंगा, बट अगर मैं लगाने जाऊंगा तो मुझे हर सेगमेंट में लगा लगा के बताना पड़ेगा, हर अलग अलग वे में। तो गाइज, वो ना करते हुए मैं आपको सिर्फ फेसबुक पिक्सल बता रहा हूँ। अब आप उसको एडजस्ट कर देना, लगाते कैसे हैं, बहुत इजी होता है, बहुत सारी वीडियोस भी आपको उस पर मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो मैं किसी एक चीज पे लगा के बताऊं तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, राइट? अब फेसबुक पिक्सल क्या है, वो आपको समझ में आ गया कि ये एक ऐसी चीज है जो ट्रैक करती है कौन आपके घर में आ रहा है, कौन आपके घर से जा रहा है, मतलब आपके वेबसाइट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राइट? उसके बाद है ये चीज, टू टाइप ऑफ फेसबुक पिक्सल, दो तरह के फेसबुक पिक्सल होते हैं, राइट? पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फेसबुक पिक्सल, यू कैन रीड हियर, एंड दूसरा जो होता है कस्टम इवेंट पिक्सल या इवेंट पिक्सल, ठीक है? दोनों ही इसके नाम होते हैं, कस्टम इवेंट पिक्सल या इवेंट पिक्सल। अब स्टैंडर्ड इवेंट पिक्सल क्या होता है, ध्यान से सुनो, लिखते जाओ अगर नहीं समझ में आए तो, या फिर से देखो अगर नहीं समझ में आए। अब स्टैंडर्ड इवेंट पिक्सल ये होता है जो, मतलब जैसे कि आपका एक वेबसाइट है, राइट? आपकी वेबसाइट है, उसमें आपका होम है, सर्विस है, राइट? आपके बारे में है, अबाउट टू है, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें लोग क्लिक क्लिक कर करके जाते हैं। किसी में आपका प्रोडक्ट है, किसी में आपका ब्लॉग है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें लोग क्लिक करते हैं एंड जाते हैं, क्लिक करते हैं जाते हैं। तो इन सब पेजेस पे, मतलब जितने भी आपके पेजेस हैं वेबसाइट में, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पेजेस हैं, राइट? तो ये सब पिक्सल से एक बार में सबको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है? किससे? स्टैंडर्ड पिक्सल से। इन सबको एक बार में ट्रैक किया जा सकता है एक पिक्सल कोड से, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इवेंट पिक्सल, ठीक है? एक बार में ये सारे पेजेस को एक ही पिक्सल से ट्रैक कर लिया जाता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, राइट? अब जो दूसरा है वो कस्टम इवेंट पिक्सल। कस्टम इवेंट पिक्सल जो है वो इवेंट पिक्सल भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो वो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए, मतलब आप चाहते हो कि मेरा एक
पेज है जहां मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं जहां मेरा थैंक यू पेज है, मान लो ये आपका तीसरा जो पेज है, ये पेज जो है ये आपका सेलिंग पेज है, तो आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इस पेज को ट्रैक करूं, ओनली इस पेज को, मेरे जो वेबसाइट है उसमें मैं इस पेज का जो ट्रैकिंग है वो अलग से चाहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे सेल्स पेज पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या वहां से चले जा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए एक पिक्सल यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं कस्टम इवेंट पिक्सल और इवेंट पिक्सल, ठीक है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा एक बार आपको समझाने की कोशिश करूं, बहुत सारे पेजेस को ट्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड पिक्सल का यूज किया जाता है, और जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज को ट्रैक करने के लिए कस्टम इवेंट पिक्सल का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है, लास्ट जो चीज है वो है टू टाइप ऑफ फेसबुक ट्रैकिंग लिंक। पहला है एक्टिविटी इनसाइड ऑफ फेसबुक, राइट। एक्टिविटी इनसाइड ऑफ फेसबुक मतलब कि जैसे कि आपने कोई एड चलाया फेसबुक में, वहां पर लोग फेसबुक के अंदर ही, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं कहाँ हो रही हैं, फेसबुक के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी इनसाइड ऑफ फेसबुक। ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ फेसबुक ट्रैकिंग लिंक, मतलब जो ट्रैकिंग लिंक होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक्टिविटी इनसाइड ऑफ फेसबुक, और दूसरा होता है एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ फेसबुक, राइट। पहला होता है एक्टिविटी इनसाइड ऑफ फेसबुक, दूसरा होता है एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ फेसबुक, ठीक है। अब आउटसाइड में क्या होगा, मान लो कोई आया आपकी वेबसाइट पे, वो सॉरी आपके एड पे, वो लिंक को क्लिक किया और वो आपके वेबसाइट में चले गया। अब वेबसाइट में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उसको बोलते हैं आउटसाइड ऑफ फेसबुक, राइट, एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ फेसबुक। तो ऐसे दो ट्रैकिंग लिंक होते हैं, दो प्रकार के फेसबुक पिक्सल होते हैं, और पिक्सल क्या होता है ये सारी चीजें मैंने कवर की है इस वीडियो में। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछो, और क्या आप चाहते हो कि मैं डेली दो दो वीडियो डिलीवर करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं दो दो वीडियो आपको डिलीवर करूं फेसबुक एड्स की, यस या नो मुझे कमेंट में करके बताओ कि करूं या ना करूं, और इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं मैं फ्री एंड फंड में, तो प्लीज प्लीज सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।